हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस रेसिपी वीडियो पे और आज हम आपको मटन चुस्ता और बोटी की एक ऐसी रेसिपी बनाकर दिखाने वाले हैं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं खाया और ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी कि इसे एक बार सीखने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आज आपको डिटेल में कि इसे हमने किस तरह से बनाना चाहिए इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं पाँच ग्राम मटन बोटी और इसे अच्छे से साफ करके रखा है अगर आपको मालूम नहीं है कि बोटी और चूसते को हमें किस तरह से साफ़ करना चाहिए तो इसे साफ़ करने का हमने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाकर वहाँ से भी इसे देख सकते हैं मटन बोटी को पकाने से पहले कढ़ाई पर पानी को गर्म करेंगे और इस पर डालेंगे थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और थोड़ा सा नमक पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नमक और हल्दी को और इस पर हम मटन बोटी को ऐड करेंगे मटन चूस्ता को हमें इसके साथ में नहीं डालना है वरना वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी चूस्ते को हमने पहले ही साफ़ करके रखा हुआ था कढ़ाई को अब बस कवर करेंगे और इसे हाई फ्लेम में पंद्रह मिनट तक हमें बॉयल करना है पंद्रह मिनट मटन बोटी को बॉयल करके अब हम इसके कवर को ओपन करेंगे और गैस के फ्लेम को बंद करते हुए मटन बोटी को कढ़ाई में से निकाल करके अलग रख लेंगे इसके बाद अब हम मटन चुस्ता जो लेकर आए हैं उसका काम करने वाले हैं मटन चुस्ता को बनाने के लिए देख सकते हैं हमने यहाँ पर ले लिए हैं 200 ग्राम मटन के फैट यानी कि चर्बी और सबसे पहले मटन के फैट को हम थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर के रख लेंगे सारे मटन के फैट को हमें इस तरह से थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रख लेना है अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इस पर एक बड़े चम्मच सरसों तेल को डाल करके गरम करेंगे तेल के गरम होने पर इस पर डालेंगे एक पीस बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को हमें मीडियम आंच पर फ्राई करना है थोड़े से ही प्याज है तो बस दो से तीन मिनट ही लगेंगे इसे फ्राई होने में प्याज के फ्राई होने पर गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल कम करेंगे और अब इसके साथ में डालेंगे एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर लेना है हमें थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ी सी हल्दी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक अब इन सारे मसालों को कुछ देर तक एक साथ मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे तो देख सकते हैं मसालों को हमने बस दो मिनट लो फ्लेम पर मिक्स कर लिया है और अब इन मसालों के साथ में हम कटे हुए मटन फैट को ऐड कर रहे हैं मटन फैट को डालकर मसालों के साथ इसको हमें लो फ्लेम पर ही चार से पाँच मिनट तक अच्छे से चम्मच से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है मटन फैट को कुछ देर फ्राई करने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हो चुका हो तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इन फ्राई किए हुए फैट्स को कढ़ाई में से निकाल करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्राई किए हुए मटन फ़ैट को हमने कुछ देर तक ठंडा कर लिया है और अब हम इस चुस्ते में मटन फैट को डाल रहे हैं चूसते को सबसे पहले हमें पलट लेना है और फिर इसके अंदर हम इस तरह से फ्राई किए हुए फैट को डालेंगे मटन चूसता को पकाने से पहले इसे अच्छी तरह से हमने अंदर बाहर दोनों साइड से गर्म पानी में धो कर के साफ़ कर लिया था और फिर इसके अंदर हम मटन फ़ैट को अच्छी तरीके से डाल देंगे तो देख सकते हैं जितने फ़ैट्स हमें खाने हैं उतने ही फैट्स हमने चुस्ते पर डाल लिए हैं अच्छे से और अब हम इसे किसी पतली और मज़बूत धागे से हमें इसको अच्छे से बांध लेना है ताकि ये पकाते वक्त खुल ना सके तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारा चूस्ता जो है वो बनकर तैयार हो चुका है तो चलिए अब इसे हम पका कर दिखाते हैं सबसे पहले हम एक कुकर पे लगभग तीन बड़े चम्मच सरसों तेल को डालकर इसे गर्म करेंगे तेल के गरम होने पर इसमें एक चुटकी हींग दो छोटी इलायची तोड़कर, एक टुकड़ा दालचीनी और एक तेजपत्ता इन सभी के साथ में डालेंगे तीन पीस मीडियम आकार के पतले कटे हुए प्याज और इस प्याज को चम्मच से चलाते हुए पाँच से छः मिनट तक थोड़ा सा मीडियम आंच पर इसे फ्राई कर लेना है प्याज को फ्राई करने के बाद अब इसके साथ में हम डालेंगे एक से डेढ़ बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट अब इसके साथ में हम लेंगे एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसके कलर के लिए एक छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च लेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मच हल्दी मसालों को मीडियम आंच पर मिक्स करते हुए इसे हम चार से पाँच मिनट तक अच्छे से पका लेंगे कुछ देर के बाद अब आप देख सकते हैं मसालों को हमने मीडियम आंच पर बिल्कुल अच्छे से पका लिया है और अब इसके साथ में हम ऐड करने वाले हैं दो पीस पके हुए टमाटर जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है टमाटर के साथ में हम इस पर डालेंगे एक छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक और फिर से इन मसालों को हम टमाटर के साथ में छः से सात मिनट मीडियम आंच पर चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर को मसालों के साथ कुछ देर पकाकर अब इस पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी को मसालों के साथ में मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को अभी मीडियम ही रखें और अब इन मसालों के साथ में हम डालेंगे मटन बोटी चुस्ता और थोड़े से कटे हुए मटन के फैट इन सभी चीज़ों को मसालों के साथ मिक्स करते हुए इसे हम छः से सात मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे मटन बोटी चूस्ता और फैट सभी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है मसालों के साथ और इसके साथ में अब हम डालेंगे डेढ़ ग्लास मतलब लगभग 600 से 700 सौ पानी इसमें ऐड करना है पानी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे हम पाँच सीटी तक पकाएंगे पाँच सीटी लगने के बाद कुकर का गैस अपने आप जब ख़त्म हो चुका हो तब हम इसके ढक्कन को ओपन करके चम्मच से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं स्वादिष्ट मटन बोटी और चूस्ता की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है इस पर हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर को ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स इस मटन चुस्ता की रेसिपी को आप भी ट्राई करें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में और रेसिपी अगर आपको खाने में पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद